वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल गुलशन वीडियोस। आज का जो वीडियो है ये काउंट फंक्शन और काउंट के साथ वाइल्ड कार्ड का उपयोग कैसे करते हैं उस पर भी ये बेस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्योंकि काउंट के साथ इसमें वाइल्ड कार्ड का भी उपयोग इसमें किया गया है। मैंने ये आपके सामने की एग्जाम्पल रखा हुआ है इसमें कि एक डेटा है, इसमें सीरियल नंबर है 1 से लेकर 13 तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 13 तक पूरे। इसमें आप देखेंगे कि मेरे पास ये कुछ नेम है जैसे राहुल कुमार गुप्ता, कुमार कुमार गुप्ता, कुमार नारायण, सोहन कुमार राय, सोहन कुमार राय, रोहित कुमार गुप्ता। इस तरीके से आप देखेंगे इसमें तो सभी नाम में एक वर्ड कॉमन है कुमार का, सभी टेक्स्ट में कुमार जो है कॉमन है। तो आइए आज हम जानते हैं कि यदि काउंट का उपयोग करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, और यदि कोई टेक्स्ट में कुमार यदि स्पेसिफिक वर्ड अगर बीच में है तो हम इसे काउंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम काउंट का फार्मूला लगा के देखते हैं कि क्या वर्क करता है। ये हमने यहाँ पे काउंट प्रेस किया, हम यहाँ पे काउंट इफ लगाते हैं क्राइटेरिया के लिए, क्योंकि हमें इसमें कुमार फाइंड करना है कि इसमें कुमार इस पूरे डेटा में कितने हैं। तो मैंने ये डाटा अपना सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया दिया राहुल का, सॉरी कुमार का। और ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो फ्रेंड्स हमने देखा यदि इस टोटल सीट में से यदि हमें खाली कुमार फाइंड करना है तो मेरे पास रिजल्ट काउंट इफ्स की मदद से 1 आ रहा है। मतलब काउंट इफ्स क्या कर रहा है, कुमार काउंट कर रहा है सभी डेटा में से जो कि खाली 1 है। तो ये क्या कर रहा है काउंट इफ्स, जो स्पेसिफिक टेस्ट है कुमार खाली उसी को ये काउंट कर रहा है। यदि हमें अगर टेस्ट के बीच का कुमार काउंट करना है कि ऐसे कितने कुमार हैं जो कि टेस्ट के बीच में है तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारे पास होता है काउंट इफ्स विथ वाइल्ड कार्ड्स। तो ये हम देखते हैं, हम लगाते हैं काउंट इफ्स रेंज लेंगे सारा। और फ्रेंड्स इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम टोटल काउंट करेंगे पूरे टेक्स्ट में से तो वाइल्ड कार्ड क्या करेगा कि जब भी हम वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट में लगाने पे तो राइट की वैल्यू को काउंट करता है, और यदि हम जो वाइल्ड कार्ड अगर राइट लगाते हैं तो लेफ्ट के टेक्स्ट को काउंट करता है। अब इस केस में टोटल कुमार काउंट करना है तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों जगह वाइल्ड कार्ड लगाने पड़ेंगे। तो मैं लगाता हूँ वाइल्ड कार्ड, ये मैंने इन्वर्टर कॉमा ओपन किया, फिर फाइंड, फिर लगाया वाइल्ड कार्ड जो कि वाइल्ड कार्ड हमारा है स्टार, और अब लिखा कुमार और फिर लगाएंगे वाइल्ड कार्ड। ये फ्रेंड दो जगह लगा रहे हैं, एक पहले भी और एक बाद में भी, तो इससे ये होगा कि जो टोटल कुमार होंगे वो सारे काउंट हो जाएगा। और इन्वर्टर कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि रिजल्ट हमारा 13 आ रहा है, और यदि हम इस सीरियल नंबर को देखेंगे तो ये भी हमारा 1 से लेकर 13 तक ही है। मतलब इसमें क्या हुआ कि टोटल कुमार जो है चाहे वो बीच में हो, चाहे वो पहले हो, चाहे बाद में हो, ये इसने काउंट कर लिया, जो कि सारे सेल को मिला के 13 है और सभी में कुमार है, कोई बीच में है, कोई राइट है, कोई लेफ्ट है। तो इस तरीके के वाइल्ड कार्ड के उपयोग से हम जहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों वाइल्ड कार्ड का उपयोग करके हम टोटल बीच के टेस्ट को काउंट कर सकते हैं। अब ये जो है काउंट लेफ्ट साइड ऑफ कुमार, आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि कुमार को काउंट करो जो सिर्फ
लेफ्ट साइड में हूँ। लेफ्ट साइड में फ्रेंड्स ये देखें आप, एक यहाँ पे कुमार है, एक यहाँ कुमार है, एक यहाँ कुमार है। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं कैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं। हम लगाएंगे काउंटिफ्स, काउंटिफ लगाते हैं हम, रेंज लेंगे सारा। अब वही फिर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमें लेफ्ट साइड के कुमार को चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के कुमार को चाहिए तो हम राइट साइड में ही वाइल्ड कार्ड लगाएंगे। जबकि यदि लेफ्ट साइड का निकालना है तो हमें लगाना है वाइल्ड कार्ड राइट साइड में। और अब करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, तो अब हमारा ये रिजल्ट आ रहा है 4। तो काउंट करने, एक कुमार ये, एक कुमार ये, दो कुमार, एक कुमार ये, तीन कुमार, और एक कुमार जो ये वाला कुमार है इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो यदि हम इसको लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो ये राइट साइड को काउंट कर लेता है। इस तरीके से टोटल कुमार हमारे 4 यहाँ काउंट हो रहे हैं। अब उसी तरीके से यहाँ ये कह रहा है इस केस में, काउंट दी राइट साइड ऑफ कुमार, राइट साइड में कुमार कितने हैं। तो राइट साइड के लिए हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं वाइल्ड कार्ड, हम करेंगे काउंटिफ, डेटा हमारा सारा रहेगा ये रेंज। अब यहाँ पे लगाते हैं हम वाइल्ड कार्ड स्टार, फिर ये कुमार इन्वर्टर कॉमा क्लोज, और ब्रैकेट कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और ये दिखा रहा है कि दो कुमार ऐसे हैं जो कि राइट साइड में है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक कुमार तो ये है राइट साइड में, और एक कुमार आपका ये वाला है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है। तो यदि हम इसको लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो ये राइट साइड में काउंट कर लेता है, और राइट साइड में लगाएंगे वाइल्ड कार्ड तो लेफ्ट साइड में काउंट कर लेगा। इसी तरीके से इसने दो कुमार दिखाए, एक तो कुमार जो ये वाले कुमार हैं और एक कुमार आपका ये वाला। तो इस तरीके से फ्रेंड हम जान सकते हैं कि यदि कोई टेक्स्ट दी हुई है और उसके बीच बीच के स्पेसिफिक टेक्स्ट को यदि काउंट करना है तो हम इस वाइल्ड कार्ड की हेल्प से इसको काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कैसे काउंट का उपयोग करते हैं, काउंट क्या करता है, और काउंट के साथ वाइल्ड कार्ड का उपयोग हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।